गहराइयों में उतर रही है। और मेरे अजीजों, ये बहुत वजनी कलीमा है, सातों जमीन और आसमान को एक पलड़ में रख दिया जाए, तो इस कलीमे को एक पलड़ में रख दिया जाए तो ये कलीमे वाला पलड़ा झुक जाएगा और अल्लाह के चाहे बगैर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं, किसी की मजाल नहीं, वो जिसे तौफीक दे दे और वो जिसे पसंद फरमाए वही पढ़ सकता है। और दिल दिल में ये भी इस्तेहजार हो कि अल्लाह मौत के वक्त भी ये याद दिला देना, मौत के वक्त भी ये याद दिला देना, मौत के वक्त भी ये याद दिला देना। मुझे थोड़ी सी तकलीफ है आवाज़ में, मैं हल्का सा आहिस्ता पढ़ता हूँ, लेकिन आप तो अपनी तलब बताओ अल्लाह को। अल्लाह तो दिल के हाल को जानते हैं, दिल की तड़प को जानते हैं। मेरा अजीजों, पता नहीं कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी होगी और कौन सा लम्हा आखिरी लम्हा होगा, कौन सा दिन आखिरी दिन होगा। हमें तो यूं फरमाया, हर आवाज़ इस इस्तेहज़ार के साथ करो, हो सकता है ये हमारी आखिरी घड़ी हो। मेरे अजीजों, क्या पता फजर की नमाज का मौका मिले या ना मिले। और हमने देखा कि जुमा के दिन तो हमारे यहाँ से कोई फकीर भी खाली हाथ नहीं जाता, और इतनी रात में अगर कोई आ जाए तो बस्ती वाले कहते हैं वाकईतन मोहताज होगा, वरना इतनी रात में कोई नहीं आता। मेरे साथ पढ़ो।